तो मैं केंद्रीय विद्यालय अपर शिलांग, EAC अपर शिलांग में पहुंच चुका हूं, जो कि एयरफोर्स में है, और हमारे साथ यहां के प्रिंसिपल सर हैं। आपसे मिल करके सर बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे भी तो ऐसे ही घूम रहे पूरा मेघालय, एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं और यहां पे आए, ये मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि यहां पे मेघालय घूम पा रहा हूं और केंद्रीय विद्यालय आने का मौका मिला और सर से मुलाकात हुई। तो अब यहां से निकलते हैं, शिलांग जाएंगे और शिलांग जा करके फिर अपनी स्कूटी वगैरह जमा करेंगे, फिर गुवाहाटी को निकल जाएंगे। वैसे 1 बजे तक का टाइम था बाइक जमा करने का, लेकिन मैंने 11:30 बजे ही बाइक मैंने जमा कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया, क्या करते रख करके अपने पास। और म्यूज़ियम जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि म्यूज़ियम में फिर लग जाता बहुत टाइम, 2 घंटा बता रहे लगेगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट के कल्चर को दिखाया हुआ है, और इसलिए हमने डिपॉजिट कर दिया। तो अभी पैदल ही चल रहे हैं, देखते हैं यहाँ से बता रहे कहीं से टैक्सी वैक्सी मिल जाती है कोई, वैसे बस वस भी जाती होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं जाता होगा, कुछ ना कुछ देखते हैं इंतज़ाम मिलता है। म्यूज़ियम घूमते हैं, और भाई ट्रैफिक तो बहुत ही ख़तरनाक है यहाँ का, एकदम बिल्कुल डेंजरस है। तो एक बार यहाँ भी हमने पीछे भी बात किया था बुलेट के लिए 1200 रुपये, पर ठीक है 750 रुपये में स्कूटी मिल गई, और क्या चाहिए, इससे बढ़िया क्या चाहिए। 1 वे ट्रैफिक सिस्टम है, और आज तो पुलिस वालों से ही पूछा भाई रास्ता किधर से, डरे लगता था पकड़ न ले, बोले कागज़ दिखाओ, एक तो भाषा से पकड़ लेते ना बाहर का है वो। ये देख रहे हैं ट्रैफिक सिस्टम कैसे लाइन से लोग यहाँ चलते हैं, कोई अपोजिट से नहीं आएगा तो नहीं आएगा भाई साहब, एक ही लाइन से लोग गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे सॉरी चालान कटने का डर ख़त्म हो गया, क्योंकि गाड़ी मैंने जमा कर दी है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, ये अल्टो अल्टो में लोगों ने टायर चौड़े चौड़े लगवा रखे हैं ना। भैया म्यूजियम की ओर जाओगे, म्यूजियम म्यूजियम जाने के लिए मैं गाड़ी के बारे में पूछ रहा हूँ, तो लोग बता रहे हैं, जो टैक्सी वाले हैं वो कह रहे हैं कि बुकिंग में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी टैक्सी है, सही चीज़ नहीं बता रहे, और पुलिस बाजार पहुंच गया हूँ भाई, थक गया। टैक्सी वाले ना बिल्कुल उटांग पटांग चीज़ें बताते हैं, अब हमारे पुलिस वाले भाई साहब ये सही बताएंगे, इनसे पूछते हैं। तो एक्चुअल में पुलिस वालों से पीछे हमने बात किया, और ये है पुलिस बाजार का मेन जो है एरिया, और आज वहाँ म्यूज़ियम के पास में डॉन बॉस्को में ट्राइबल का कोई फंक्शन है, तो बता रहे कि प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे, इसलिए नहीं जाने से अच्छा है। तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे, ऐसा प्रॉब्लम में नहीं फंसना है हमको। निकलते हैं यहाँ से, टैक्सी मिल गई 300 रुपये में गुवाहाटी के लिए, निकलते हैं यहाँ से। नहीं आज मिली हमको टैक्सी, आज हम टैक्सी में जा रहे हैं, 300 रुपये के किराए में शिलांग से जा रहे हैं। हॉर्न की बहुत आवाज़ आ रही है, तो ये टैक्सी है 300 रुपीज लेता है, और जो अगर कार है तो उसमें 500 रुपीज लगता है। तो आज टैक्सी में ही बैठ गए हैं, मेघालय पुलिस ने बोला कि टैक्सी में बैठ के जाओ इस बार, पहली बार। तो नेशनल हाईवे ढाबा पे गाड़ी रुकी है थोड़ी देर के लिए, लगता है 20-25 मिनट यहाँ पे जो है लोग खाना वाना खाएंगे, और 1:30 बज गए दोपहर के, लग रहा है 1:30 बज रहा है, वैसे लग रहा है 2:30 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते गुवाहाटी में, देखते हैं कितना समय लगता है। टैक्सी छोड़ दिया हमको यहाँ पे खानपारा में, और हम यहाँ पे उतर गए हैं भाई, गजब का माहौल है असम का, गुवाहाटी का देख रहे हैं, कू 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 कू। असम में आपका स्वागत है। असम को ऐसे अच्छे से नहीं देखा है, गुवाहाटी में उतरे थे बस, सीधे टैक्सी पकड़ के चले गए थे। तो आप देखते हैं खानपारा, खानपारा कैसा है, गर्मी तो बहुत है भाई, उमस भरी गर्मी, खानपारा
खानपारा चलते हैं केंद्रीय विद्यालय में, देखते हैं किससे मुलाकात होती है। दोस्तों खानपारा में उतरते ही मिल गया है हमें रिक्शा और 30 रुपये में हमें केंद्रीय विद्यालय पहुंचाएगा। और यहाँ चलते हैं, देखते हैं कोई अपने भाई बंधु मिलते हैं क्या। खानपारा, खाना पारा, वैसे यहाँ के लोग खाना पारा कहते हैं, हम खानपारा बोल रहे हैं, यहाँ के लोग खाना पारा। क्यों खाना पारा? ये आ गया सीनियर ऑफिसर्स कॉलोनी, आ गई वीआईपी एरिया लग रहा है ये, डायरेक्टरेट ऑफ सेरिकल्चर। यहाँ सड़क पर चारों ओर जो है मछली की महक आ रही है, ऐसे लग रहा है कि हम गुवाहाटी में पहुँच गए। अच्छा पूरे बच्चे नहीं आ पाते, मुझे लगता है सारे प्रोग्राम यहीं पे होते हैं यहाँ रीजन के जी। इतना बड़ा हॉल मतलब इंडोर टाइप का किसी के पास होगा भी नहीं, किसी के भी पास। अच्छा ये तो ऐसे बना जैसे हॉस्पिटल में बना रहता है रैंप टाइप का जी। सुबह से आज खाने का मौका नहीं मिला और सुबह जो है केले खाए थे, 3-4 केले खाए थे और आई थिंक छोटा सा हमने केक खाया था, फिर खाने का मौका नहीं मिला। फिर एक अनारस मैंने रास्ते में खाया था और अभी जो है खाना पारा जगह पे आ चुका हूँ और ये सारे मतलब रोड पे साइड पे ठेले और होटल लगे हुए हैं, इधर भी लगे हुए हैं पीछे भी। तो यहीं पे मछली चावल खाते हैं, गुवाहाटी का मछली चावल खाते हैं, फिर देखते हैं कैसा टेस्ट है यहाँ का, असम का टेस्ट कैसा है। इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में सच में मतलब किसी एक जगह पर रुक पाना और आसियाना मिलना एक मुश्किल काम होता है, और आसियाना मिल गया तो समझिए कि आधे काम तो वैसे ही निपट गया। रुकने ठहरने की जगह, बाहर जब आप कभी जाते हैं और उस जगह पर रहने खाने की व्यवस्था हो जाती है, सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो रहने की व्यवस्था हो गई तो समझिए कि सब कुछ सही हो गया। ये भोजन भी आ चुका है, असम का भोजन मैं दिखाता हूँ क्या क्या आया हुआ है। चटनी है क्या भाई? ये भिंडी की सब्जी है, चावल है और प्याज है, मिर्चा है, मिर्चा तो एक ही दे दो, एक हटा दो। और ये मछली है, मछली किसके साथ बनाया? आलू के साथ, आलू एंड मछली, अरे वाह। और ये दाल है और ये आलू की सब्जी है। और असम में गुवाहाटी में भोजन कर रहा हूँ और ये यहाँ का स्पेशल है, स्पेशल क्या कहिए जो है मतलब यहाँ का भोजन है तो हमारे लिए स्पेशल ही है, फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, खाता हूँ फिर देखता हूँ कैसा था। भाई मेहनत रंग लाई और देखिए हमें जो है डबल बेड का रूम मिल चुका है और ये केंद्रीय विद्यालय संगठन गुवाहाटी संभाग रीजनल ऑफिस के अंदर ही है और यहाँ पे मिल गया। मतलब एक थकान भी हो गई थी, मेघालय से चले थे आज सुबह हम, मासिनराम से चले थे और फिर करीब 11 बजे हम आ गए थे शिलांग, शिलांग से यहाँ आए और फिर उसके बाद थकान तो हो ही जाती इतनी दूर से स्कूटी चलाना, फिर टैक्सी से आना यहाँ पहुँचना। तो कल सुबह की ट्रेन है, आज रात गुजारना है यहाँ पे। तो गुजारते हैं आज की रात यहाँ पे रीजनल ऑफिस में सीधे।